हरियाणा के जिला पानीपत के मॉडर्न टाउन के शिवाजी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री महिपाल डांडा, जिला उपायुक्त वीरेंद्र सिंह दहिया, पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत विशेष रूप से मौजूद रहे। पूरे विश्व में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम है। बता दें कि इससे पहले उन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की और योगा की क्रियाओं में भी भाग लिया। इस कार्यक्रम में लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लाइव सुना। योग दिवस कार्यक्रम में स्कूलों के बच्चों के साथ शहर के लोगों ने भी योग के यज्ञ में आहुति डाली। बता दें कि स्कूल कॉलेज की छात्र छात्राओं और आम जनता ने भी इस योग दिवस को लेकर काफी उत्साह दिखाया। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य अतिथियों ने कहा कि हम सभी को दिन में आधा घंटा योग जरूर करना चाहिए। ये एक बहुत पुरानी विधा है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी खोज की। इससे हम शरीर रूप में भी और दिमागी रूप में भी स्वस्थ रह सकते हैं। जैसी कहावत भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। उन्होंने कहा कि केवल इंसान का शरीर ही स्वस्थ रहना जरूरी नहीं है, बल्कि दिमागी रूप से भी उसका स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। खैर, जिला पानीपत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सहकारिता मंत्री महिपाल डांडा, उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक सहित अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। गौरव की बात है कि हमारी बहुत पुरानी प्राचीन पद्धति योग, जिस योग से हमारा शरीर तो निरोग रहता ही रहता है, हम अपने आप को जोड़ते भी हैं। योग का दूसरा अर्थ जोड़ भी होता है। हम जोड़ते हैं अपने आप को अपने से, हम जोड़ते हैं अपने आप को परमात्मा से। और ये अपना जोड़ यानी परमात्मा का जोड़ और परमात्मा का जोड़ यानी सबके साथ जुड़ाव, इसीलिए भारत दुनिया में शांति की स्थापना करने की घोषणा करता आया है, क्योंकि उसके पास जोड़ने की शक्ति है, उसके पास योग है। हम योग के जरिए अपने शरीर को तो निरोग करते ही करते हैं, अपना भौतिक भी, अपना आर्थिक भी, अपना आध्यात्मिक विकास भी हम साथ के साथ करते हैं। जिसका शरीर सद गया, जिसका मन सद गया, जिसकी बुद्धि सद गई, जिसका ज्ञान सद गया, उसने सब कुछ पा लिया। जिनके पास ज्ञान बल बुद्धि ये हैं, और ये सब योग से ही हम लोगों को मिलती है, जिनके पास ये सब चीज़ें सद गई मिल गई, वो विश्व विजेता है। और भारत दुनिया में बहुत लंबे समय तक एक विश्व विजेता के रूप में शांति स्थापित करते हुए भारत की परंपराओं को, भारत की सांस्कृतिक धरोहर को बचा के रख पाया। उसमें योग का बहुत बड़ा योग है। 177 देश आज भारत के इस योग को अपना रहे हैं। 177 देशों के अंदर योग से एक बड़ी क्रांति आई है, और ये परंपरा बनी रहे, इसलिए मैं तमाम अपने देश के योग साधकों को नमन करता हूँ कि आपके दम पर हम अपने शारीरिक रूप से तो ठीक होंगे होंगे ही, मानसिक रूप से भी हमारा बहुत बड़ा उत्थान होगा। और हम संकल्प लें कि हर रोज़ योग करते हुए अपने आप को निरोगिता की ओर लेकर जाएंगे। और एक बहुत बड़ा पैसा जो रोग के नाम पर हमारे हाथ से निकल जाता है, योग करके हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। उनको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। आज ये 10 दिसंबर 2014 से स्टार्ट हुआ। जैसे मैंने बताया आपको, योगा के चार प्रकार होते हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, और आज ये क्रिया योग था। महर्षि पतंजलि का आपने देखा ही है, जिन्होंने योग का किया। योग वैसे पुराना, 500 साल पुराना है, BC से चल रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितने आपने योगा में नाम सुने हुए हैं, माजरी आसन, मयूर आसन, मकर आसन, ये सारे पशु करते हैं और इंसान उनसे सीखता है जो सुधरे। मैं इस मंच के माध्यम से कहूँगा कि हर आदमी 1 घंटे योगा जरूर करे। पशु जो हैं वो भी हमारे जगह बैठ रहे हैं, वो योग करते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। आज की दिन इतना तनाव आदमी, इतना पॉल्यूशन, इतना ये है कि अपने आप को बचाने के लिए योग जरूरी है। मैं इस मंच के माध्यम से दोबारा कहना चाहूँगा कि सभी लोग, आज 5,000 बच्चों ने इसमें भाग लिया, सभी आदमी जो इसको सुन रहे हैं वो
योग प्रारंभ कर दें और तीन आगे आदमियों को मोटिवेट करें, जैसे मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ योग करें। आप 6 महीने में फ़र्क देखेंगे, आप दवाइयों का सहारा लेना भूल जाएंगे और स्वस्थ रहेंगे और आपको योग पे आपकी जो भावनाएं हैं उन पे भी नियंत्रण होगा। और आज के इस सफल आयोजन के लिए मैं SP साहब मेरे साथ खड़े हैं, ये बधाई के पात्र हैं कि इतने 5,000 बच्चे, उनकी बसें, उनका ट्रैफिक का इंजाम, वो सारे इन्होंने अच्छे से मैनेज किया है। तो मैं इस मंच में इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अच्छे से सारे प्रोग्राम को दिशा दी। धन्यवाद। जैसे कि आपको पता है, पुलिस की जो नौकरी है, जो जीवन है, वो बड़ा ही तनावपूर्ण रहता है। बड़े बड़े अपराधियों से डील करना होता है, स्ट्रेसफुल होती है, लंबी समय की ड्यूटियां होती है और समय का भी कोई पता नहीं होता। तो हमारे लोगों के, पुलिस कर्मियों के जीवन के अंदर योग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और मैं चाहता हूं कि हमारे आज भी जैसे हमारे 200 से 250 पुलिस कर्मियों ने इस योगा प्रोग्राम में भाग लिया है, इसके अलावा भी जो ब्लॉक लेवल पर जो प्रोग्राम है उनमें भी भाग लिया है, परंतु तनावपूर्ण जो ज़िंदगी है उससे निजात पाने के लिए मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि जीवन में अपने योग को अपनाएं और कम से कम 1 घंटा सुबह हो शाम हो, जब भी आपको समय मिले, योग को जरूर अपनाएं। धन्यवाद सबको, इस बहुत बहुत बधाई। हम सब अंसल से आए हैं, वहाँ रोज योग शिक्षा एक क्लासेस चलती हैं। अंसल में हमारे हर ब्लॉक में रोज योग शिक्षा होती है। वहाँ के योग शिक्षक इतने एक्सपर्ट हैं कि उन्होंने हम सबको योगा में कर दिया है। रोज हम सुबह जाते हैं, योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हमारे सबके स्वास्थ्य में इतना सुधार हो रहा है, सबकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, लोगों के रोग मुक्त हो रहे हैं। इससे हम अपने सारे योग शिक्षकों के बहुत आभारी हैं। हम चाहते हैं कि ये योग को आगे ही आगे बढ़ाएं ताकि सारा भारत हमारा स्वस्थ भारत बने। हम सबके बहुत धन्यवादी हैं, आज का प्रोग्राम के लिए भी बहुत धन्यवादी है। सब ने बहुत सहयोग से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया है। हम सब की तरफ से बहुत बहुत सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मिसिज राकेश बाली है, मैं अंसल में रहती हूँ। रोज़ हम योग क्लासेस अटेंड करते हैं। रेखा जी हमारी अध्यापिका हैं, हमारी शिक्षिका हैं और अशोक सर के अंडर हम सब क्लासेस चलाते हैं। वो बहुत सबका ध्यान रख के सबकी बहुत केयर करते हैं और सुचारू रूप से क्लासेस चलती हैं। हम सबके बहुत बहुत धन्यवाद।